थोड़ा सा साइलेंट काफी हो चुका है, तो एक बार जोरदार तालियां संजय जी के लिए। वो इसलिए क्योंकि कारवां तब बिना इंजन के बेकार होता है। आपने देखा होगा ट्रेन के डिब्बे खड़े हुए हैं, लेकिन इंजन नहीं चल रहा तो ट्रेन के डिब्बे आगे नहीं चल सकते। वैसे भी आप देखेंगे कि जो संजय शब्द है उसका मतलब ही दूर दृष्टि वाला व्यक्ति। जब आपने देखा था कि महाभारत में कि कौन दृष्टांत सुनाएगा, तो संजय जी को लाया गया कि जी आप बताइए कि दूर दृष्टि से कैसे देख सकते हैं। तो ऐसे हमारे संजय जी हैं जिनकी दृष्टि वास्तव में बहुत परफेक्ट है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि समाज में कुछ करना है तो ऐसे व्यक्तियों को जोड़ना पड़ेगा जो बौद्धिक के साथ साथ वो समर्थ भी रखते हों, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर सके। तो संजय जी और हमारे बीच में नरेंद्र जी भी है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने ये टीम जोड़ी। और जैसा कि नाम भी है हार्ट एंड सोल, कहते हैं कि जब तक आत्मा और मस्तिष्क का मिलन नहीं होता तब तक तो परमात्मा भी नहीं मिलते हैं। और निश्चित रूप से ये हार्ट एंड सोल उन आत्माओं को जोड़ने का काम है जो वास्तव में एक अच्छा लक्ष्य लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं, क्योंकि पंच तत्व में हर व्यक्ति को मिलना है और पंच तत्व से हम मिलकर बने हैं। लेकिन यदि हमारा ये कोई भी कार्य समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए काम में आता है तभी हमारा जीवन सफल होगा। मैं थोड़ा सा अपने परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर सपना बंसल है, मैं प्रोफेसर हूँ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक 14 बुक्स लिखी हैं, और शायद ही समाज का कोई राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो जहां मैं नहीं जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मैंने एक ही चीज मानी है, जब भी जुड़िए आत्मा से जुड़िए और अच्छे विचारों के साथ जुड़िए, क्योंकि जब आपका लक्ष्य अच्छा होता है तो ईश्वर का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ सिर्फ जुड़ना नहीं है और भी लोगों को जोड़ना है, क्योंकि इन्होंने जो इंजन शुरू किया है उसमें अब जो तेल डालने का काम होगा, पेट्रोल डालने का काम होगा, वो अब सब हम सबकी जिम्मेदारी है ना, हमारी सबकी जिम्मेदारी। तो बिल्कुल इस चीज को आगे लेकर चलना है हमें और इस कारवां को बहुत मजबूत बनाना है। मैं एक वाक्यांश के साथ में अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। गौतम बुद्ध ने ध्यान दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया। एक बार एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, समस्याओं से हम हमेशा घिरे रहते हैं, परेशानी हमेशा रहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारी समस्याओं का समाधान हो और तब मैं समाज सेवा में जाऊं? तो गौतम बुद्ध ने 2 मिनट का विचार किया, बोले ठीक है, एक काम करो, यहाँ ये जहां आप बैठे हुए इसके बाहर कई सारे घोड़े बैठे हुए हैं, उन घोड़ों को सबको बैठाकर आप आ जाओ, फिर मेरे पास आओ, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। वो बाहर गया, जाके उसने कोशिश किया लेकिन घोड़े तो बैठने वाले नहीं है उसके आगे। फिर वो गौतम बुद्ध के पास आया, बोले जी घोड़े तो बैठते ही नहीं है, आपने तो मुझे गलत बताया कि घोड़ों को बिठा के आइए। बोले अच्छा एक काम करिए, एक दूसरा और अस्तबल है वहां पे, ऊंट खड़े हुए, उन ऊंटों को तो बैठा सकते हो ना? बोले हाँ जी बिल्कुल बैठा सकते हैं, क्यों नहीं बैठा सकते। तो बोले ठीक है, वो पूरी रात प्रयास करता रहा, कभी इस ऊंट को बैठाने का कोशिश किया तो पता चलता दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाने का प्रयास किया तो तीसरा खड़ा हो जाता। इस तरीके से पूरी रात निकलती रही और वो व्यक्ति बड़ा परेशान रहा। वो अंत में हार कर सुबह का इंतजार करता रहा कि महात्मा से कैसे मिलूं और बुद्ध को बताऊं कि आपने तो मुझे एक बड़ी समस्या दे दी, मैं तो समस्याओं के समाधान के लिए आपके सामने गया था। तो गौतम बुद्ध ने कहा, आपने इतना भी नहीं समझा मूर्ख व्यक्ति, जीवन भी समस्याओं से ही घिरा हुआ है। एक समस्याओं का समाधान करोगे दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी, और दूसरी समस्या का समाधान खत्म करोगे तो तीसरी समस्या आ जाएगी, लेकिन इन्हीं समस्याओं के समाधान में आपको समाज की सेवा करनी है, तभी आप वास्तव में आपने जो ये मनुष्य जन्म लिया है वो पूर्ण होगा। तो यही हम सब पे लागू होता है, हम सबके बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत